हे एवरीवन वेलकम टू डिजिटल एजेंसी सीक्रेट जहां पे कोई भी सीख सकता है कि अपना डिजिटल एजेंसी कैसे बनाए बिल्कुल फ्री में और ये है वीडियो नंबर फाइव इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी डिजिटल एजेंसी के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है बेसिकली आप देख सकते हो तो लिखा है चेकलिस्ट फॉर डिजिटल एजेंसी बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है आप देखो बिकॉज मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो आपको पता नहीं होगा बहुत सारी ऐसे चेकलिस्ट होंगे सो so, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा प्रीमियम ई मेल न्यूज सेंटर है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल फ्री है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसमें मंथली मैराथन सेशन और आ, मेजर अनाउंसमेंट होते रहते हैं तो बहुत ही कमाल कीजिए बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा प्राइवेट फेसबुक ग्रुप भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और पिछले वीडियो में हमने एक होस्टिंग का गिवे किया था और हम सारे होस्टिंग के जितने विनर्स हैं उनको इंस्टाग्राम पे अनाउंस करेंगे तो पिछले वीडियो का विनर इंस्टाग्राम पे अनाउंस हो चुका है और आज भी हम लोग एक गिवे कर रहे हैं आपको सिर्फ लाइक और कमेंट करना है दैट्स ऑल कल आप इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरी चेक करना आ, किसी रैंडम बंदे को मैं पिक कर लूंगा रैंडम कमेंट पिकर से सो so बस आपको लाइक करना है कमेंट करना है दैट्स ऑल ओके यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस गिव अवे नाउ बहुत सारी है दोबारा कॉन्टेंट पे आते हैं बहुत सारी चेकलिस्ट है जो आपको फुलफिल करनी होगी पहले बात करते हैं वेबसाइट्स की ठीक है आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए एक बेसिक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है ठीक है अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है दोस्तों देखो वेबसाइट क्या है अगर आप एजेंसी चला रहे हो आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर मजा नहीं आएगा राइट तो एक बेसिक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है आपका और अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो थीम फॉरेस्ट से अच्छी अच्छी थीम्स आप यहाँ से खरीद सकते हो आप देखो कितने सुंदर थीम्स बहुत ही तीस चालीस डॉलर पचास डॉलर में अच्छी अच्छी थीम्स मिल जाती हैं ये देखो यहाँ पे कई सारे थीम्स हैं ये सब ये जो बॉक्स है ये बटन है ये सब अपने आप बन जाता है कुछ इसमें बस एडिट करना होता है बस होम होम में आपको कुछ ऐड करना है ऐड कर दो केस स्टडी में अपनी केस स्टडी लगा दो ज़्यादा कुछ करना नहीं होता ये सब पहले से बनी बनाए थीम्स आती हैं तो ये बेस्ट होती है ठीक है सो so, आप मेक श्योर करो कि आ, आपकी वेबसाइट हो बिकॉज वेबसाइट इज़ द होम ऑफ इंटरनेट राइट आपके एजेंसी का भी एक तरीके से होम ही है तो वेबसाइट बनाना एक और थीम ये है बहुत सारी थीम्स हैं आप थीम फॉरेस्ट पे जाओ मैं नीचे लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में आप थीम फॉरेस्ट पे जाओ वहाँ से आप चेक कर सकते हो ठीक है और अगर आपको होस्टिंग लेनी है

दोस्तों दूसरी चीज दूसरा चेकलिस्ट है आपको दो से तीन लोग की टीम चाहिए जी हाँ आपको दो से तीन लोग की टीम चाहिए आप स्टार्ट कर रहे हो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि टीम कैसे बनाना है ठीक है तो दो से तीन लोग की टीम आपकी रेडी हुई कि नहीं हुई ये भी एक चेकलिस्ट है इसके बिना स्टार्ट नहीं कर सकते बॉस ये एक चेकलिस्ट है दो से तीन लोग की टीम बनाओ आ, मैंने टीम बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बना दिया था आई होप आप देख चुके हो आप देखो टीम बिल्डिंग के ऊपर वीडियो हमने बना दिया था तो मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं और आई बटन पे भी क्लिक करके आप जा सकते हो आई बटन आ गया होगा उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज दैट इज एम ठीक है सीआरएम सी आर एम इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखो इसको समझो सीआरएम अगर आपके पास नहीं होगा ना आप बहुत सेल्स मिस करने वाले हो आप बहुत पैसे मिस करने वाले हो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों सीआरएम जिसमें आप सारी नीड्स को ट्रैक कर पाते हो सबको ट्रैक कर पाते हो एक ही जगह और राइट कुछ इस तरह का दिखता है और ये मैं बताऊं एक्सेल में भी बन जाता है सी आर एक्सेल में भी बन जाता है तो मैं भी आपको दिखाऊंगा सीआरएम कैसे अपना बना सकते हो आप लोग बहुत ही आसानी से लेकिन सीआरएम बेसिकली क्या होता है कि सारी लीड्स को इकट्ठा फॉर एग्जाम्पल हमें किसी बंदे ने कॉन्टेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल राम ने कॉन्टेक्ट किया तो so, राम की सारी डिटेल्स हम लोग रखेंगे नेम यू मेल फोन नंबर राम ने क्या बोला फोन पे वो किस कंपनी में काम करता है वो उसके पास कितने पैसे हैं क्या अफोर्ड कर सकता है कि नहीं सब डिटेल्स हम लोग सी आर एम में डालते हैं ताकि अगली बार अगर राम फोन करे तो तुरंत हम उसका नंबर डाल के चेक कर ले कि हाँ यार ये इसने कॉल किया हुआ था और ये बात हो चुकी है मैं समझाऊंगा ध्यान सुनो सीआरएम मैं अच्छे से समझाऊंगा राइट मैं सीआरएम को समझाता हूं और सीआरएम के पेड़ सॉफ्टवेयर तो जोहो वन ऑफ द बेस्ट है है लेकिन ये भी शायद कुछ पेड इसमें तो मैं रिकमेंड उतना नहीं करता मैं रिकमेंड करूंगा आपको एक्सेल पे सीआरएम बना लो स्प्रेड सीट पर गूगल स्प्रेड सीट पर सी आर एम बना लो बेस्ट है और कैसे बनाना है देखो ये मेरा सी आर एम है जो आ, देखो आप जानते हो मैं आ, मैं बहुत सारे कोर्सेज भी सेल करता हूँ तो जैसे मेरा एस किंग कोर्स था राइट right? ये एस है लेट मी शो यू एसू किंग कोर्स का मैंने सीआरएम बना रखा है मतलब मेरी टीम को मैंने शेयर कर रखा है और मेरी टीम क्या करती है ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा है ना किसी यहाँ पे लिखा है नेम ईमेल नेम फोन ईमेल ये मैंने हाइड कर दिया है प्राइवेसी रीजन की वजह से नेम फोन नंबर ईमेल मतलब मैंने हाइड कर दिया लेकिन सीआरएम कैसे काम करता है देखो कोर्स टाइप में वो मेरी टीम के बंदे लिखेंगे जो भी मेरा कोर्स का नाम होगा कस्टमर टाइप वॉर्म देखो कस्टमर तो टाइप पे क्लिक करेगा तो इसमें ऑप्शन आएगा क्या ऑप्शन आएगा देखो इस पर क्लिक किया कोल्ड वॉर्म या हॉट तो यहां से फॉर एग्जाम्पल अगर उसको लगा कि यार कोल्ड है कोल्ड मतलब ये जो कॉल कर रहा मतलब है बंदा उतना इंटरेस्टेड नहीं वार्म मतलब इंटरेस्टेड है हॉट मतलब ऑलरेडी कुछ ना कुछ खरीदा हुआ है पहले से ही तो अगर वार्म ऑडियंस तो वॉर्म पे क्लिक करेंगे हमारी टीम वाले ठीक है कोल्ड है तो कोल्ड पे क्लिक करेंगे हॉट है तो हॉट पे क्लिक करेंगे फाइनल स्टेज किसी स्टेज पे पहुंचा है वो फॉलो अप स्टेज पे है या डील वॉन है डील लॉस्ट है तो फॉलो मतलब ये बात चल रही है तो फॉलो अप और बात आ, आप डील जीत गए यानी आप सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन कर चुके हो तो डील वॉन अगर आप हार चुके हो कस्टमर ने मना कर दिया डील लॉस्ट तो जैसे यहां पे देखो ये कोई बंदा था मैंने नाम हाइड कर दिया है लेकिन ये वार्म लीड है ठीक है और इसने क्या लिखा है कमेंट में देखो कमेंट कमेंट देखो यहाँ पे कमेंट में लिखा है एक घंटे में कॉल कॉल करेंगे बाहर है ठीक है किसी ने लिखा है ससुराल गया हूँ <laughs> मतलब मेरी टीम वाले लिखते हैं तो जैसा वो बोलते हैं वैसा लिख देते हैं तो मेरी टीम वाले किसी ने गाली भी खाई है यहाँ पे देखो लिखा है गाली तो यहाँ पे लोग लिखते रहते हैं मतलब मेरी टीम वाले भी लिखते रहते हैं जैसे यहाँ पे Not interested तो सीधे लाल कर दिया डील लॉस्ट राइट यहां पर देखो लाइन बिजी तो जो भी मतलब तो इतना डिटेल में हम लोग ट्रैक करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे यहाँ कॉल करोगे तो मेरी टीम वाले आपका सारा डाटा रखेंगे कि हाँ इस बंदे ने क्या बोला है कि एक बंदे ने क्या बोला है और इससे बहुत सेल आप ले सकते हो बाद में अगर इसका फोन आता है तो आपको पता तो रहेगा कि इसमें बात क्या की थी इसका लाइन बिजी था कि क्या था ये बोला था एक घंटे में कॉल करेंगे तो एक घंटे बाद तुरंत हम लोग कॉल कर देंगे दोबारा उसको अगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं होगा तो कितने लोग आप याद रखोगे लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है ये मेरे लिए है ये सी मेरा है मतलब कि ये मैंने अपने लिए बनाया है और ये एजेंसी के लिए नहीं है लेकिन अच्छी खबर क्या है कि मैंने आपके लिए भी एक सीआरएम बना के रखा है आपके अकॉर्डिंग ठीक है ये देखो ये कोर्स के लिए सी है लेकिन आपके लिए भी मैंने बना के रखा है ये देखो राइट आई होप आई बार देखो आप तो ये आपके लिए मैंने बना कर रखा सीआरब इसमें क्या है नेम मिल फोन नंबर सर्विस टाइप क्लाइंट टाइप डील स्टेज फॉलो और कमेंट तो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने आप मतलब आपने उसको कॉल किया मैं कॉल करना सब कुछ सिखाऊंगा कैसे बात करना है क्लाइंट से लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने बात किया उसका नाम है राज ठीक है तो आपने राज लिख दिया फोन नंबर उसका मान लेते हैं कुछ भी है ठीक है कुछ भी लिख ले देते हैं फर्क नहीं पड़ता अभी ईमेल ईमेल कुछ भी लिख देते हैं अभी एट जी मेल डॉट कॉम कुछ भी सर्विस टाइप तो किस टाइप की सर्विस उसने लिया है एसई फाइनल बिल्डिंग एवियर लैंडिंग पेज इसमें अपनी सर्विस आप ऐड कर सकते हो मैं बताऊंगा कैसे करना है फॉर एग्जाम्पल एस सी ओ क्लाइंट किस टाइप का है कोल्ड वार्म हॉट मतलब कोल्ड मतलब बेकार क्लाइंट है वार्म मतलब ठीक ठाक बन सकता है डील बन सकती है हॉट मतलब कहीं ना कहीं वो खरीद चुका है डील स्टेज डील स्टेज क्या है डील वॉन डील लॉस्ट है फॉलो अप डेट क्या है इसमें डेट लिखो कमेंट लिखो उसने क्या बोला तो जब आप ऐसे फॉलोअप करते हो ना तब रिजल्ट आता है अब पहले आपको क्या करना है इसका मैं लिंक दूंगा आपको ठीक है कॉपी पे।, पे, पे क्लिक करना है फिर आपको काम करना स्टार्ट करना नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा एडिटिंग ही नहीं हो पाएगी इसमें तो मेक अ कॉपी पे क्लिक करिए, तभी आप इसमें एडिटिंग कीजिएगा ठीक है नहीं तो फिर इसमें एडिटिंग नहीं होगी और आपको सबसे पहले तुरंत

सर्विस uh, टाइप में एक एस एम एम भी आ गया ठीक है तो इसमें आपको क्या करना है ये सारे एडिट करना है टीम मेंबर्स का नाम एडिट करना है पे टीम मेंबर्स क्लाइंटाइप मत एडिट करना ये मत एडिट करना मतलब कर भी सकते हो अपने हिसाब से लेकिन आ, ये दोनों आपको एडिट करना है सर्विस टाइप क्या आप सर्विस देते हो और हैंडल्ड बाई हैंडल्ड मतलब टीम मेंबर्स का नाम लिखना है जितने नाउ इसमें क्या होगा फॉर एग्जाम्पल आपके दस टीम अभी तो दो दो ही रहेंगे। For example, आपके दो हैं, तो क्या होगा आपने दोनों को ये सीट शेयर कर दिया और बोला कि जिसको भी कॉल कर रहे हो जिसको भी मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं जिसको भी कॉल कर रहे हो मेक श्योर मेक श्योर करना कि साइड डील्स लिखना साइड डीटेल्स अपना लिखना तो इसमें होगा क्या आप देखो हैंडल्ड बाई यहाँ पे टीम वन टीम टू मतलब उसका नाम भी आ जाएगा तो आपको पता तो रहेगा कि कौन सा मेंबर किससे बात कर रहा है समझ रहे हो आप आई होप आप समझ रहे हो आपको पता चलेगा कि कौन सा टीम मेंबर किससे बात कर रहा है राइट right? तो ये पूरा सी आर आप यूज़ करोगे तो यूज़ टू हो जाओगे यूज नहीं करोगे तो फिर आप यूज़ टू नहीं रहोगे लेकिन यूज़ करो तभी आपको मजा आएगा और ये सी इसलिए जरूरी है जब आप यूज़ करोगे तब तो पता लगेगा कि इसमें कितना ज़्यादा रिजल्ट आता है आपने देखा कि जो हमारा सी था हम लोग कैसे बात करते हैं मतलब हर एक चीज डिटेल लिख देते हैं हर एक चीज डिटेल लिख देते हैं इनरोल है इनरोल्ड तो आप देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पंद्रह में दो कन्वर्जन आया राइट लेकिन पंद्रह में दो आया तो अगर ये कॉल ही नहीं करते तो ये ये क्यों आता यहाँ फॉलो फॉलो ये बंदे कन्वर्ट नहीं हो कन्वर्ट नहीं हो कन्वर्ट नहीं, नहीं, नहीं अचानक से कन्वर्ट हो गया तो जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है दोस्त ठीक है तब तक आप उसमें एफर्ट नहीं डालोगे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा तो एक और काम लोग करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैंपल लेके चलता हूँ उसका नाम है राज फोन नंबर उसका कुछ भी है ई कुछ भी है उसने एस एम सर्विस लेना चाहता था कॉल किया आपने उसको कॉल किया वो लगा वॉर्म है आपको लग रहा है कि यार ये बात बन सकती है तो आपने लिख दिया फॉलो अप अभी स्टेज पे है आपने लिख दिया कि अगली बार इसको कॉल करूंगा चौदह तारीख को एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कमेंट लिख दिया आपने इसने बोला कि मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ हालांकि ऑब्जेक्शन आपको क्लियर करना होगा मैं देखता हूँ करके कोई आपको बहका नहीं सकता लेकिन वो मैं समझा दूंगा कैसे करना है ठीक है एग्जाम्पल है कि उसने लिखा है मैं देखता हूँ बाद में कॉल करता हूँ ठीक है तो आपने ये लिख दिया एक्स वाई जेड कुछ भी हैंडल्ड बाई कौन सा टीम हैंडल किया उसको तो मान लो कि अपना टीमवर का नाम अपडेट करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे, याँ पे याँ आ जाएगा ठीक है कौन से टीमवर ने ये काम किया है आई होप आप समझ रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखो समझ में आएगा तो दैट इज वाई सी आर एम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीआरएमरी इंपॉर्टेंट ये का लिंक मैं में दे रहा हूं फ्री है मैंने आपके लिए बनाया है आप इसे आ, वो कर सकते हो मेक अ कॉपी क्लिक कर क्लिक करके अपना कॉपी बना के इसको यूज कर सकते हो बिल्कुल फ्री में दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम राइट अगला चीज है इनवॉइस सॉफ्टवेयर आपका एक इनवॉइस सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए दोस्तों आप किसी को इन्वाइस दोगे ना तभी वो लीगली सही माना जाता है इन्वाइस सॉफ्टवेयर चाहिए बहुत पेड सॉफ्टवेयर है इनवाइस के लेकिन फ्री बताऊंगा ये है फ्री सॉफ्टवेयर रेफरन इसका नाम है रेफरन ठीक है और ये इतना सुंदर इन्वाइस बनाता है रेफरेंस इतना सुंदर इन्वाइस बनाता है कि बस मजा आ जाता है बिल्कुल फ्री है बिल्कुल फ्री है बहुत ही खूबसूरत इन्वाइस बनाता है मजा आ जाता है तो रेफरेंस यूज करो अगला चीज है प्राइसिंग स्ट्रक्चर आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए जो मैं कल वीडियो लॉन्च करूंगा उसमें मैं प्राइसिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करूंगा प्राइसिंग पे ही होगी वो वीडियो राइट वो प्राइसिंग पे ही वीडियो होगी जो कल अपलोड करूंगा और अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो आई बटन पे देखो शायद वीडियो भी आई होगी राइट right? तो इसके बारे में कल वीडियो आने वाली है यस टुमारो विल टॉक अबाउट दिस आई बटन पे क्लिक करो क्या पता वीडियो आ गई हो लिटिल बजट आपका थोड़ा सा बजट भी होना चाहिए थोड़ा सा बजट आपको चाहिए देखो कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो थोड़ा पैसा लगता है उतना इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी राइट हम बजटिंग थोड़ा करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन का पांच हजार रुपए कंपनी रजिस्ट्रेशन मान लो आपका लगा फाइव थाउजेंड रुपीज तो मैं लिख देता हूँ रुपीज फाइव थाउजेंड डोमेन आप डोमेन का चार्ज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रुपीज सेवन हंड्रेड पर ईयर एग्जाम्पल अप्रोक्स ठीक है पर ईयर होस्टिंग आप होस्टिंग करके लेना मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ मेरा एफिलेट लिंक होगा सो so, यहाँ पे होस्टिंग ऑलमोस्ट थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर ईयर पड़ जाएगी ठीक है टीम टीम मेंबर्स को खर्चा देना है तो कमीशन बेसिस पे होगा तो इसका कोई खर्चा आया नहीं कमीशन बेसिस पे है ठीक है और थोड़ा बहुत सैलरी देना चाहो तो अपनी तरफ से वो बोनस दे सकते हो ठीक है वो आपके ऊपर है आपके पास पैसे हैं तो दे दो थीम थीम का मान लो तीस से चालीस जोर लगेगा यानी मान चलो पंद्रह सौ रुपये थीम पे जाएंगे टोटल देख लो कितना है पाँच हजार सात सौ पैंतीस सौ तो आप मोटा मोटा मान चलो कि सात से आठ हजार रुपये में आपके डिजिटल इनसे बिजनेस शुरू हो जाएगा सेवन टू एट के में और अगर इतना भी आप नहीं लगाओगे तो यार फिर मजा नहीं आएगा ना समझो मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे दो मैं कह रहा हूं आपने ऊपर लगाओ ये अपने एजेंसी अपने स्टार्ट करने के लिए इतना पैसा तो लगेगा ही लगेगा होस्टिंग नहीं लोगे तो फिर आप वेबसाइट कहाँ पे अपना आ, होस्ट करोगे डोमेन तो लेना ही पड़ेगा टीम मेम्बर बनानी पड़ेगा वेबसाइट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपनी कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा आपको थीम तो लेना ही पड़ेगा एक अच्छा समझ रहे हो आप तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है ये सच्चाई है ये आपको चाहिए थोड़ा बहुत फ्रॉड फंड तो चाहिए अगर आपके पास फंड नहीं है फंड नहीं है फिर भी आप स्टार्ट करो ठीक है कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस आप थोड़ा डिले कर सकते हो इसको थोड़ा डिले कर दो अपने नाम पैन कार्ड पे स्टार्ट कर लो ठीक है इसको डिले कर सकते हो थोड़ा पैसा आप कमा लेना तब कर मैं रजिस्ट्रेशन पाँच हज़ार आपको बच गया तीन चार हजार रुपये में कमाओं यार कर लो क्या आप ठीक है सो so, पिछले वीडियो के गिव अवे विनर अभी इंस्टाग्राम पे अनाउंस हो चुके हैं आप जाओ मेरे इंस्टाग्राम आई पे और चेकआउट कर लो और आज के जो विनर हैं वो कल इंस्टाग्राम पर अनाउंस होंगे तो मेक श्योर आप कल जाके मेरे इंस्टाग्राम

अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मच टेक केयर गुड बाय